मध्य प्रदेश के मुरैना के विच हवाई फौज के दो लड़ाकू जहाज़ आपस के विच टकराए ने। इस हादसे के विच एक पायलट की मौत हो गई, दो पायलट सुरक्षित ने। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले दीयां तस्वीरां ने जिथे शनिचरवार सवेरे दो लड़ाकू प्लेन हादसाग्रस्त हो गए। जेट क्रैश हादसे ते इंडियन एयरफोर्स वालों दित्ती जानकारी दे मुताबिक सुखोई 30 अते मिराज 2000 विमान रेगुलर प्रैक्टिस दे दौरान आसमान दे विच टकरा गए, जिस दे बाद दोवां जेट्स दे विच अग लग गई। एक मुरैना दे जंगलां च जा डिग्गिया, जदकि दूजा फाइटर जेट राजस्थान दे भरतपुर जिले दे विच जा डिग्गिया। हवाई फौज मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी च स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर यह हादसा किवें पेश आया, पर यह लगभग स्पष्ट हो चुका है कि मुरैना के आसमान च दोवें लड़ाकू प्लेन आपस टकराए, यानी कि मिड एयर क्लोजिन का शिकार होए ने। सुखोई ने मिराज नूं टक्कर मारी ते फिर सुखोई दे पायलट्स ने अपने प्लेन दे विचों बचन दी कोशिश की। सुखोई 30 दे विच दो पायलट सवार सन, जिन्हां ने वक्त रहिंदे पैराशूट दा इस्तेमाल कर जेट दे विचों छाल मार दित्ती, जिस करके उन्हां दी जान बच गई। हालांकि मिराज 2000 दे विच सवार पायलट नूं काफी डूंघियां सट्टां वज्जियां सन, इस तों पहलां कि डॉक्टर उन्हां दा इलाज करदे उह शहीद हो गए। मैंने ये देखा था, एकदम आग लगती हुई जा रही थी, तो एक आगे निकल गया था, फिर बाद में ये पता लगा कि ये एक यहाँ टकराने से, दोनों प्लेन टकराने से यहाँ एक गिर पड़ा। कहाँ पे गिरा है, किस स्थान? चरणन पे गिरा हुआ है, गिरा हुआ है। ग्वालियर एयरबेस से मिराज फाइटर जेट का वड्डा बेस है, नाल ही हवाई फौज का कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर भी। TACDE यानी कि टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डिवेलपमेंट एस्टैबलिशमेंट। इतने फाइटर पायलट एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग दे लिए आते हैं। जो सुखोई लड़ाकू प्लेन क्रैश होया वह भी इसे का हिस्सा सी।